नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी स्टोर चैनल में। मैं हूं रविंद्र। दोस्तों, कल से मैंने देख रहा हूं कि काफ़ी जो खेसारी लाल यादव के प्रति जो कुछ घटना घट रही है उससे काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल मचा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के 2 से 3 गाने यूट्यूब से ब्लॉक और डिलीट देखने को मिला। उसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और उसके बाद बहुत सारे बातों को आप लोगों को बताते हैं और आप लोग भी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसमें मेन जो पॉइंट है, आप लोग 2-3 पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा जहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या घटना घटा जिससे खेसारी लाल यादव को आज ये देखना पड़ रहा है। सबसे पहले तो होता है एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, एग्रीमेंट की बात होती है जहां पर खेसारी लाल यादव एक बार भी एग्रीमेंट को लेकर खुलासा वैसा नहीं कर पाते हैं जो सच में किया गया है। खेसारी लाल यादव का कहना यह रहता है, आप लोग पहले इसको सुनिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट तो प्यार से होता है। वो तो पेपर वर्क के आदमी, अंग्रेजी हमारा भाई आवे ना, जे हमारा लगे पढ़ा लिखल रहे, तो दोनों जना एक जना दिल्ली रहले, एक जना गाँव में रहले, लेकिन अब के उसे विश्वास पर रहे आदमी तो कुछ ना कर पावे, पहले की छोड़ा ना यार जब इतना। तो दोस्तों, आप लोगों को एक समय का याद होगा जब खेसारी लाल यादव बिग बॉस में थे तो सलमान खान ने कहा था कि दिल से तो काम करते हैं आप, दिमाग से भी काम करिए। तो हो सकता है कि कहीं एग्रीमेंट के समय 1 या 2 साल का एग्रीमेंट हो गया होगा। ये मैं आप लोगों को संभावित बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरी पॉइंट में खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि पैसा का मामला है, तो हो सकता है कि पैसे में भी कुछ अरग फरक हुआ होगा। लेकिन वहाँ पर खेसारी लाल यादव इतने जरूर कहते हैं कि जितने आपने गाने देना था पैसे के लिए वो मैंने दे दिया है। ये 2 पॉइंट थी जो खेसारी लाल यादव को अलग बनाता है। तीसरी बात जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पर ये है कि आज अगर आप देखिएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे मेहनत करने वाले इकलौते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं और सबसे आगे बढ़ने वाले भी खेसारी लाल यादव हैं। इसी का जलन आज भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत देखा जा रहा है। कई लोगों को घर चलाने वाले इकलौते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं और उनके मेहनत करने का ही ऐसा नतीजा है कि कई लोगों को रोजगार मिल पाता है। तो यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट थे जो मैं आप लोगों को बताया। एग्रीमेंट की बातों में काफ़ी जो भोजपुरी दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के फैंस हैं काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, और इस पर आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगा और बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच लाइव भी आने वाला हूं कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आप लोगों के कुछ चैनलों को भी प्रमोशन कर दूं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।